दोस्तों, आपने अक्सर यह अनुभव किया होगा कि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारा मुख्य आकर्षण कोई खिलाड़ी, उसके आंकड़े या कुछ ऐसे मैच होते हैं जो हमने देखे हैं या हम जिनके बारे में जानते हैं। हम में से शायद कोई उस समय ये नहीं सोचता कि जिस खेल की, जिन खिलाड़ियों की या जिन आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं वो हम तक पहुँचे कैसे थे और कब से ये सब कुछ किसी न किसी तरीके से हम तक पहुँच रहा है। हम जो कुछ जानते हैं या जो कुछ जान सकते हैं उनके अलावा भी क्रिकेट के इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है वो हम तक क्यों नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। किस तरह, कब से और किन लोगों के कारण वो कहानियां किस से हम तक पहुंच पाए जिनके बारे में हम बात करते आ रहे हैं। अगर पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि क्रिकेट का खेल अलग अलग नामों के साथ 12वीं और 13वीं सदी से अपना वजूद बनाए हुए है, लेकिन हमारी कहानी साल 1695 से शुरू होती है, जब इंग्लैंड में यह फैसला लिया गया कि 1662 लाइसेंस एक्ट को अगले साल रिन्यू नहीं किया जाएगा। इस तरह फ्री प्रेस का रास्ता बनाया गया जिस पर से सेंसरशिप साल 1689 में हटा दी गई थी। यहाँ से अब क्रिकेट जैसे अलग अलग खेलों की जानकारियां भी अखबारों में देना आसान हो गया था। 7 जुलाई 1697 के दिन पहली बार फॉरेन पोस्ट डेटेड अखबार में किसी क्रिकेट मैच के बारे में बताया गया जो सक्सेस में एक सप्ताह पहले खेला गया था। यहाँ से एक कोशिश शुरू हुई जो इस खेल को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए जरूरी थी, जिसे किंग एडवर्ड 4th ने साल 1497 में सिर्फ इसलिए बैन कर दिया था ताकि उसके सिपाही बिना किसी दखलंदाजी के तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर सके। साल 1744 से दुनिया भर में खेले जा रहे लगभग सभी मैचों के आंकड़े सुरक्षित रखने का प्रयास शुरू हो गया था और यही से सही तौर पर वो समय शुरू होता है जिसकी कहानियां और किस्से हमें पुख्ता रूप से आज देखने और सुनने को मिलते हैं। साल 1804 में खेले गए एक मैच की कहानी सुनने को मिलती है जिसमें रॉबर्ट वन सीटर्ट ने भारतीय जमीन पर सबसे पहला शतक लगाया था और कहा जाता है कि इसी मैच से भारत में क्रिकेट पर सट्टा लगाने की शुरुआत भी हो गई थी। 19वीं सदी क्रिकेट के खेल में अपना बहुत बड़ा योगदान रखती है। साल 1864 में विजडन एल्मनाक की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट इतिहास को फाइल करने में इस पत्रिका का क्या योगदान है इसे हम सभी वाकिफ हैं और हैरान करने वाली बात ये है कि विजडन के नए एडिशन आज भी साल दर साल जारी होते हैं। क्रिकेट अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा सब कॉन्टिनेंट में भी अपना विस्तार कर रहा था। यही वो समय था जब साल 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक मैच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। साल 1890 से पहले विश्व युद्ध तक के समय को क्रिकेट इतिहास का सबसे स्वर्णिम दौर माना जाता है, लेकिन यहाँ भी क्रिकेट मैचों को ब्रॉडकास्ट करने की कोशिशें शुरू नहीं हुई थी क्योंकि बहुत से लोगों का मानना था कि क्रिकेट जैसे लंबे खेल को 5-6 घंटे सुनना कोई भी पसंद नहीं करेगा और ये आसान भी नहीं होने वाला है। खैर, पहले विश्व युद्ध के बाद सोच में बदलाव शुरू हुआ और 1900 वह साल था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पहले शतक वीर चार्ल्स बैनरमैन की याद में रखे गए एक मैच को रेडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया था। न्यू साउथ वेल्स से आई दो टीमों के बीच यह मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था जिसमें लेन वाट ने कमेंटेटर की भूमिका निभाई थी। 1924-25 सीजन से टेस्ट मैचों को रेडियो पर प्रसारित किया जाने लगा था, लेकिन यह प्रसारण आज से बिल्कुल अलग था। हर मैच की सूचना देने के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित थी जिसमें कमेंटेटर पूरे मैच का हाल लोगों के सामने रखते थे। 5-6 घंटे का प्रसारण अब भी आसान नहीं था। 14 मई साल 1927 से बीबीसी ने इंग्लैंड में होने वाले मैचों का प्रसारण शुरू किया। FH ग्लीनघम को कमेंटेटर के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन यह मैच जब बारिश की वजह से बीच में रुक गया तो लोगों को बांधे रखने के लिए कमेंटेटर के पास कुछ भी नहीं था। ऐसे में गिलिंगहम ने होर्डिंग पर लिखे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना शुरू कर दिया जो बीबीसी मैनेजमेंट को पसंद नहीं आया और गिलिंगहम को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद अगले कुछ समय के लिए इंग्लैंड में क्रिकेट प्रसारण थम गया क्योंकि गिलिंगहम की जगह आए टेडी वेलहम की सलाह पर बीबीसी ने क्रिकेट का प्रसारण बंद कर दिया था। अब अगर भारत की तरफ चलें तो पता चलता है कि साल 1932 में जब भारतीय टीम लॉर्ड्स में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने उतरी थी तो उसे लगभग 24,000 लोगों ने मैदान पर बैठकर देखा था। साल 1934 में बॉम्बे क्वाड्रांगुलर में मुस्लिम और पारसी टीम के बीच खेले गए मैच का पूरा प्रसारण रेडियो पर किया गया था। यह पहला मौका था जब भारतीय जमीन पर हो रहे किसी मैच को मैदान से बाहर लोगों तक पहुंचाया गया था। बॉबी तलियार खान ने इस मैच में अपनी आवाज देने का काम किया था। बॉबी तलियार खान भारतीय क्रिकेट इतिहास के पहले कमेंटेटर थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अकेले पूरे मैच को आवाज देना पसंद करते थे। स्क्रू के अलावा उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अकेले कमेंटेटर की भूमिका निभाने की जिद में इतना दम था कि जब ऑल इंडिया रेडियो ने आजादी के बाद पैनल रखने का नियम बनाया तो इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। साल 1935 में एक और कमाल का अध्याय भारतीय क्रिकेट प्रसारण के इतिहास में जोड़ा जब भारतीय फिल्म जगत के पहले बड़े स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के कर्ताओं धर्ताओं ने, जिनमें देविका रानी और उनके पति शामिल थे, उन्होंने सीजन होने वाले
बॉम्बे क्वाड्रांगुलर के सभी राइट्स खरीद लिए और अपनी पहली फीचर फिल्म जवानी की हवा के साथ सिनेमा घरों में प्रदर्शित करने का फैसला किया। विज्ञापनों के जरिए यह सूचना लोगों तक पहुंचाई गई और जब लोग बॉम्बे इंपोरियल सिनेमा पहुंचे तो फिल्म के साथ कमेंट्री के साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने का अनुभव शानदार था। एक तरफ भारत में यह सब कुछ हो रहा था, वहीं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में उस समय एक अलग प्रसारण विधा पर विचार चल रहा था। एलेक्स फेयरफैक्स को एक मैच के दौरान साल 1932-33 में एफिल टावर में एक स्टूडियो में बुलाया गया और पूरे मैच का ब्यौरा देकर उन्हें अपने अंदाज में लोगों तक मैच का हाल पहुंचाने के लिए कहा गया। इसे आगे चलकर सिंथेटिक क्रिकेट ब्रॉडकास्ट का नाम दिया गया, जिसमें कमेंटेटर्स को केबल्स के जरिए मैच के तुरंत बाद पूरा ब्यौरा दिया जाता था और हर कमेंटेटर्स उसे अपने अंदाज में उस स्टूडियो में बैठे कुछ इस तरह प्रस्तुत किया करते थे जैसे मैच उनके सामने चल रहा है। बैट और बॉल के टकराव से होने वाली आवाज को पेंसिल और नारियल या कभी कभी टेबल के जरिए निकाला जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि उस समय क्रिकेट प्रसारण के लिए कुछ निश्चित स्थान हुआ करते थे जहाँ नेटवर्क उपलब्ध हो सकता था। सिंथेटिक क्रिकेट ब्रॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई और वहाँ काफी प्रचलित भी हुई। अलान मैककिलवरी जैसे बहुत से बड़े कमेंटेटर्स ने इस विधा में अपने हाथ आजमाए थे। साल 1937 में मोरारजी पोलार्ड नाम की महिला ने वुमेन्स टेस्ट मैच में कमेंटेटर की भूमिका निभाई। क्रिकेट प्रसारण अब धीरे धीरे एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा था। साल 1938 में ऐसे श्रृंखला के दूसरे मैच को बीबीसी ने टेलीविजन पर उतारने का फैसला किया और एमसीसी से अपनी घनिष्ठता के चलते लॉर्ड्स के मैदान पर एक कमेंट्री बॉक्स भी तैयार करवा लिया। 3 कैमरों के जरिए छोटे पर्दे पर पहली बार टेस्ट मैच लोगों के बीच ले जाया गया। इसके बाद सीरीज का 5वां मैच भी इस सफर का हिस्सेदार बना, जिसमें इंग्लैंड ने 587 रन और इनिंग के बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। यह वो दौर था जब भारत से तलियार खान के अलावा कोई बड़ा नाम क्रिकेट ब्रॉडकास्ट में नहीं था, लेकिन इंग्लैंड में हॉवर्ड मार्शल, जिम्स एंगटन, गिलिगन और फिर जॉन ऑर्लोर जैसे नाम बीबीसी से जुड़े हुए थे। साल 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक नए सिरे से प्रसारण शुरू हुआ। इस बार भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे के दौरान भारतीय दर्शकों के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं सुनिश्चित हुई। अब्दुल हमीद शेख ने हिंदी भाषा में इस दौरे का लेखा जोखा भारतीय लोगों तक पहुंचाया। वहीं जॉन आर्लोट ने अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ से भी भारतीय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। विभाजन के समय भारत में सिर्फ 5 रेडियो स्टेशन मौजूद थे और पाकिस्तान की तरफ 3 रेडियो स्टेशन चले गए थे। 40 के दशक में भारत में भले ही रेडियो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट आम बात हो गई थी, लेकिन रेडियो घर में होना आम बात नहीं थी। उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता था, जो समय सिर्फ 10,000 लोगों के पास ही था। साल 1938 में शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट भी शुरू हो गया, यानी कि अब रेडियो प्रसारण का दायरा एक देश से दूसरे देशों तक पहुंच सकता था। दिसंबर 1938 जोहानिसबर्ग टेस्ट का प्रसारण यूनाइटेड किंगडम में भी लोगों ने सुना, जिसमें टिम गोदार्द ने मैच के दूसरे दिन हैट्रिक लगाई थी। साल 1952 तक आते आते रेडियो क्रिकेट प्रसारण इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और भारत तक पहुंच गया था और टेलीविजन प्रसारण धीरे धीरे बढ़ रहा था। भारत में जिनके पास शॉर्ट वेव रेडियो सर्विस थी वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में चल रहे मैचों का प्रसारण सुन सकते थे। देवराज पुरी, विजय मर्चेंट, बेरी सर्वाधिकारी और विची ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 50 के दशक से अगले कई सालों तक अपनी आवाज के जरिए क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाया था। साल 1957 तक आते आते मेलबर्न ओलंपिक के जरिए ऑस्ट्रेलिया में भी टेलीविजन पहुंच गए थे और यहां भी क्रिकेट का टेलीविजन प्रसारण शुरू हो गया था। और फिर 2 साल बाद भारत में दूरदर्शन का आगाज हुआ और चीजें धीरे धीरे बदलने शुरू हो गए। रेडियो भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ था। घर के कोने में बड़े आकार के रेडियो जिन्हें पूरा परिवार कान लगाकर सुनता था, कभी गानों की फरमाइशें तो कभी कुछ समय के लिए घड़ी में समय बताती आवाज के साथ क्रिकेट मैच की बारीकियां अलग अलग आवाजों में अक्सर सुनाई दिया करती थी। धीरे धीरे 60 के दशक में हिंदी कमेंटेटर्स का आगमन भी शुरू हो गया, जिसमें क्रिकेट देश के गांवों तक भी पहुंच गई थी। रवि चतुर्वेदी, जोगा राव, जसदेव सिंह और फिर सुशील दोषी की आवाजों ने क्रिकेट को भारत में आम आदमी का खेल बना दिया था। रेडियो भारतीय दिनचर्या का अहम हिस्सा बना हुआ था। टेलीविजन लोगों के लिए महंगे थे और दूसरी तरफ रेडियो के लिए बिजली कनेक्शन की जरूरत नहीं होती थी, तो रेडियो धीरे धीरे लोगों की पसंद बनता चला गया। मैककिलवरे की अनुभव से भरी आवाज, आलोट कासुब सिटी के टेड अंदाज, विजी का चलते मैच में पुरानी यादों को समेटने का तरीका और हमारे हिंदी कमेंटेटर्स का शानदार वेलकम के साथ प्रसारण शुरू करना, दुनिया भर में इन आवाजों ने पर्दे के पीछे रहकर लोगों को अपना दीवाना बना दिया था और उस समय कमेंट्री बैटर्स हंसी मजाक ऐतिहासिक तथ्यों से भरी हुआ करती थी। याद रखिए, ये वो दौर था जब 2 से 4 कैमरे ही मैदान पर मौजूद हुआ करते थे और वो भी ऐसे कैमरे थे जिनसे सिर्फ एक ही तरह का शॉट ही कैप्चर होता था। जूम करने जैसी तकनीकी नहीं होती थी। रिप्ले का नाम भी लोगों ने सुना नहीं था। स्टूडियो कमेंट्री बॉक्स में बैठे लोगों को खिलाड़ियों के हाव भाव से अंदाजा लगाना होता था कि कौन कहाँ खड़ा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते बच्चे, बसों में सफर करते हुए काम पर जाते हुए लोग, चाय की टपरी पर बैठे बुजुर्ग, यहाँ तक कि मैदान पर बैठे मैच देख रहे लोग भी अपने साथ ट्रांजिस्टर रखते थे। साल 1990 में जब वेस्टइंडीज की टीम ने भारत का दौरा किया तो एक मैच प्रेसिडेंट 11 और गैरी सोबर्स की टीम के बीच दिल्ली में रखा गया था। यहाँ से दूरदर्शन ने क्रिकेट प्रसारण में भी खुद को आजमाने का मन बनाया। इस मैच के दौरान जो कैमरे काम में लाए गए थे वो दूसरे विश्व युद्ध के समय के थे। जोगा राव इस मैच में हिंदी कमेंटेटर के तौर पर बैठे थे, वहीं देवराज पुरी को
अंग्रेजी की कमान सौंपी गई थी। उनके बेटे नरोत्तम पुरी इस मैच में स्कोर स्टेशन की भूमिका निभा रहे थे। आनंद जी 2 साल से मैं भारत में एकमात्र स्कोर स्टेशन हुआ करते थे। और आपको ये भी बता दें कि यह मैच सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए ही टेलीविजन पर देखना मुमकिन था। दिल्ली से बाहर लोगों तक न्यूज रील पहुंचाई जाती थी। आगे जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में हुए मैच को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया तो उसके राइट्स के लिए दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन को 1500 रुपए दिन के हिसाब से दिए गए थे। नरोत्तम पुरी को अपनी भूमिका के लिए हर दिन 15 रुपए मिलते थे। साल 1968 में रंगीन टेलीविजन प्रसारण बीबीसी ने शुरू किया और फिर साल 1971 तक आते आते पिछले मैचों के हाइलाइट्स लोगों तक पहुंचाना संभव हो पाया था। टेलीविजन अभी लोगों की पहुंच से दूर थे। साल 1971 में जब भारतीय टीम ने ओवल के मैदान पर पहली बार इंग्लैंड को हराया तो उस मैच को भारत में लगभग 8 करोड़ लोगों ने सुना था। साल 1972-73 इंग्लैंड सीरीज के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क के पास एक टेलीविजन कनेक्शन लगाया गया और मुंबई में एल्फिस्टन कॉलेज की लाइब्रेरी में बच्चों ने वो मैच टेलीविजन पर देखा था। कपिल देव और बिशन सिंह बेदी ने अपने डेब्यू मैच से पहले कोई भी टेस्ट मैच नहीं देखा था और उनकी ही तरह बहुत से ऐसे खिलाड़ी उस समय थे जिन्हें पहला टेस्ट मैच अपनी आंखों से देखने का मौका तभी मिल पाया जब वो खुद भारतीय जर्सी में मैदान पर उतरे थे। सिर्फ 2-4 कैमरों के साथ बिना किसी बड़ी तकनीकी सुविधा के मैच का हाल सुनना, सीमित ब्यौरा, खराब और धुंधले दृश्य, सीरीज के कुछ मैचों का एक सीमित समय के लिए प्रसारण उस समय आम बात थी। लेकिन यह सब कुछ ही समय में बदलने वाला था। साल 1977 में कैरी पैकर का आगमन विश्व क्रिकेट में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के साथ हुआ जिन्होंने लोगों के लिए मैच देखने के अनुभव को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। फ्लड लाइट्स, रंगीन जर्सी, डे नाइट मैच और शानदार तकनीकी सुविधाओं से लैस क्रिकेट देखने का अनुभव लोगों की आंखों के सामने था। और यहाँ सिर्फ लोगों के रुख को देखकर बीबीसी से लेकर दूरदर्शन और विश्व क्रिकेट के कर्ताओं धर्ताओं के यहाँ भी बदलाव करने की कोशिशें शुरू हुई और देखते ही देखते क्रिकेट बदलना शुरू हुआ। साल 1980 तक भारत में खेले जाने वाले मैचों का एशिया से बाहर प्रसारण नहीं होता था। 8वें दशक की शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्रिकेट प्रसारण चैनलों से हाथ मिलाए और अब इन देशों में होने वाले मैच भारत में लोग सुन सकते थे। लेकिन इसके लिए भारतीय लोगों को जल्द अपनी नींद पूरी करके रेडियो तक पहुंचना होता था। लेकिन क्रिकेट से प्यार इस कदर था कि लोग सुबह 5 बजे उठकर ऑस्ट्रेलिया चैनल लगा देते और फिर न्यूजीलैंड में हो रहे मैचों को सुनने के लिए 3 बजे उठना भी लोगों को मंजूर था। 80 के दशक में भारत में क्रिकेट के हर क्षेत्र में बदलाव शुरू हो गया था। एशियन गेम्स के साथ रंगीन टेलीविजन देश में आ गए थे। रेडियो से लोगों का एक तरह से मोह भंग होने लगा था और फिर नए दशक तक आते आते जब भारतीय बाजार विदेशों के लिए खोला तो सैटेलाइट टेलीविजन और सस्ते हल्के टीवी सेट्स रेडियो को रिप्लेस करने लगे थे। साल 1983 तक विश्व कप का प्रसारण बीबीसी ने किया जिसके फाइनल में वेस्टइंडीज को हराकर लौटी भारतीय टीम अपने साथ एक क्रांतिकारी दौर को भी लेकर के आई थी। भारत में टेलीविजन सेट्स की खरीदारी बढ़ने लगी थी क्योंकि लोग अब अपने हीरोज को देखना चाहते थे। साल 1983 में भारतीय क्रिकेट की आवाज माने जाने वाले हर्षा भोगले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच से अपना करियर शुरू किया था जिसमें 6 घंटे के काम के लिए उन्हें सिर्फ 350 रुपए दिए गए थे। दूरदर्शन ने विदेशी मैचों को ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया था। ऑल इंडिया रेडियो पर अलग अलग भाषाओं में प्रसारण शुरू हो गया था। बीबीसी पर आखिरी दशक तक आते आते पूरे मैच का प्रसारण बिना किसी दखलंदाजी के शुरू हो गया था जो इस समय पूरे दिन में कुछ घंटों तक और 5 में से कुछ ही दिनों तक सीमित हुआ करता था। सीरीज के हर मैच का प्रसारण होने लगा था लेकिन इंग्लैंड में क्रिकेट प्रसारण को लेकर बीबीसी के कंपटीटर आने लगे थे। चैनल 4 और स्काई स्पोर्ट जैसे नए नामों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। साल 1991-92 में एक लंबे बैन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई। अफ्रीकी टीम की पहली सीरीज भारतीय टीम के खिलाफ होने वाली थी। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट के कर्ताओं धर्ताओं ने भारत में होने वाली सीरीज से पहले जगमोहन डालमिया से पूछा कि वो इन मैचों को साउथ अफ्रीका में ब्रॉडकास्ट करने के लिए कितनी बड़ी रकम लेने वाले हैं। बीसीसीआई को इससे पहले किसी भी विदेशी ब्रॉडकास्ट चैनल ने उनके देश में क्रिकेट प्रसारण के लिए ऐसे सवाल नहीं पूछा था। लेकिन साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए यह सीरीज बहुत मायने रखती थी इसलिए वहाँ के क्रिकेट मैनेजमेंट ने $60,000 की पेशकश डालमिया के सामने रखी। हालांकि पैसों की तंगी से जूझ रहे बीसीसीआई मैनेजमेंट के लिए $30,000 भी बहुत बड़ी रकम थी लेकिन यहाँ क्रिकेट प्रसारण का पावर डालमिया की समझ में आ गया था। उनके कहने पर $1,20,000 पर साउथ अफ्रीका को बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टिंग राइट दे दी जिसके लिए उन्हें भी उस समय तक दूरदर्शन को पैसे देने होते थे। लिबरलाइजेशन की शुरुआत के साथ ही ब्रॉडकास्टिंग के पावर की कहानी भी डालमिया जी को समझ में आ गई थी और आगे किस तरह से उन्होंने इससे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ऊंचाइयों तक पहुंचाया इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। साल 1999 में जब बीबीसी की मोनोपोली टेस्ट मैचों की ब्रॉडकास्ट से खत्म हुई तो भारत में भी क्रिकेट प्रसारण के मामले में दूरदर्शन का असर फीका पड़ने लगा था। अब भारतीय लोगों को अच्छी क्वालिटी में मैच देखने को मिल रहे थे। टेलीविजन पर क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए क्रिकेट में विज्ञापनों का बाजार भी बढ़ना शुरू हो गया था। जहां पहले कुछ होर्डिंग्स पर ही विज्ञापन लटकाए हुए नजर आते थे वहीं अब कंपनियां विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर रही थी। क्रिकेट और क्रिकेटर पैसों के मामले में अब किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं थे। एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भव्य हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ रेडियो कमेंटेटर्स, रेडियो प्रसारण, पुरानी मैगजीन, कैमरा, न्यूज रील
और पोस्ट कार्ड जैसी चीजें क्रिकेट की दुनिया से खत्म होना शुरू हो गई थी। मैक गिलवरे और आर्लोट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने शानदार तरीके से अलविदा कह दिया था। नई सदी की शुरुआत के साथ डीन जोन्स को अमला को आतंकवादी कहना क्रिकेट प्रसारण की गरिमा के लिए अच्छा नहीं था, जिसके लिए उन्हें बर्खास्त भी किया गया। अब वो समय था जब लोग रेडियो की तरह टेलीविजन सेट्स के इर्द गिर्द भी घेरा लगाकर मैच का आनंद लेने लगे थे। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग उसी पीढ़ी से वास्ता रखने वाले लोग होंगे जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट और फिर रंगीन टेलीविजन पर 2003 विश्व कप, 2007 T20 विश्व कप और फिर 2011 विश्व कप जैसे ऐतिहासिक लम्हों को अपनी आंखों में समेटा है। सुशील दोषी से लेकर हर्षा भोगले जैसे लोगों ने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली थी और कमेंट्री बॉक्स में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए, लेकिन अब आईपीएल जैसी लीग्स के साथ पुराने खिलाड़ियों की एक लंबी लाइन अलग अलग भूमिकाओं में हमें नजर आने लगी थी। भारत और विश्व क्रिकेट समृद्ध हो रहा था, हमारा क्रिकेट अब हमेशा के लिए हमारे पास सुरक्षित रहने वाला था। इंटरनेट, तकनीकी, सोशल मीडिया की दुनिया ने भी क्रिकेट में धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया। क्रिक बज, ESPN जैसी साइट्स के जरिए लोग लाइव क्रिकेट स्कोर देखने लगे थे। DRS, बॉल ट्रैकिंग, स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स ने भी क्रिकेट देखने का अनुभव शानदार बना दिया था। साल 2015 विश्व कप के बाद वो समय आया जब तकनीकी से सराबोर टेलीविजन क्रिकेट प्रसारण को भी OTT प्लेटफॉर्म से टक्कर मिलने लगी थी। दुनिया धीरे धीरे मोबाइल फोन पर सिमटनी शुरू हो गई थी। टेलीविजन सेट्स के इर्द गिर्द लगने वाले घेरे खत्म होना शुरू हो गए थे। 1983 विश्व कप में जहां तकनीकी के नाम पर सिर्फ 4 कैमरे थे, वहीं अब 2019 विश्व कप फाइनल को 36 अलग अलग कैमरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया था। क्रिकेट ने प्राइवेट टेलीविजन चैनल से और स्टार और जियो की दुनिया का रुख करना शुरू कर दिया था। और अब जब हम 2023 विश्व कप देख रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया तकनीकी तौर पर और भी आगे बढ़ गई है। आगे बदलाव किस तरह कदम बढ़ाएंगे, किस तरह का भविष्य क्रिकेट प्रसारण की दुनिया के लिए हाथ खोले खड़ा है और कितना भव्य और शानदार होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का भविष्य, इन सवालों के जवाब हमें धीरे धीरे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो किताबों और डायरी से लेकर अखबार, सिंथेटिक सिस्टम, रेडियो और फिर टेलीविजन और अब डिजिटल दुनिया तक क्रिकेट ने एक लंबा सफर तय कर खुद को बनाए रखने के लिए तय किया है, जिसमें बहुत से लोगों की कहानियां भी हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये सफर यूं ही चलता रहे और क्रिकेट हमेशा ऐसे ही खुद को बनाए रखे, आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।